फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। नया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा हिंदुजा फाइनेंस कंपनी क्या है, इसमें कैसे जॉब करना है, इसमें सैलरी कितनी होती है, इसमें क्या आएगी। हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस एक फाइनेंस कंपनी है जो कि कार फाइनेंस करती है, मशीनरी फाइनेंस करती है, गोल्ड लोन पे लोन देती है और होम लोन देती है, ये सब ये फाइनेंस करती है। तो इसमें जॉब के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, इसमें फील्ड एग्जीक्यूटिव की आवश्यकता होती है, इसमें रिकवरी एजेंट की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्वालिफिकेशन की अगर बात करूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें एनी ग्रेजुएट ही जो जॉब कर सकते हैं। अगर 12th पास है तो इसमें जॉब नहीं लगेगा, क्योंकि ये एनी ग्रेजुएट मांगती है। और ग्रेजुएट आप किसी में भी है उससे कोई मतलब नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको कॉमर्स लो या फाइनेंस का ज्ञान होना चाहिए आपको, आपको सिर्फ एनी ग्रेजुएट होना चाहिए। एक्सपीरियंस में ये फ्रेशर को ज़्यादा ट्राई करती है कंपनी, क्योंकि इसका जो क्राइटेरिया है फ्रेशर्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं जॉब का आपको बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन क्या है, कैसा रहेगा। सैलरी अगर आप देखेंगे इसमें तो आपको 25-30 हज़ार रुपये मंथली सैलरी इंसेंटिव मिला के मिल जाया करेगी। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा फाइनेंस लाइन में हैं तो एक्स्ट्रा कमाई आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनलीगल है लेकिन मत करना, लेकिन कोई दे दे तो आप मना भी नहीं कर सकते। तो फाइनेंस लाइन में तो जानते ही है कि एक्स्ट्रा कमाई होती ही होती है। तो ये जो कंपनी है ये मशीनरी ज़्यादा फाइनेंस करती है, मतलब जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन की जो मशीन होती है, जैसे JCB हो गया, पोकलैंड हो गया, ये मशीनें बहुत फाइनेंस करती हैं। तो आप अगर इसमें जॉब करेंगे तो आपको केसेस के लिए जाना पड़ेगा, ठेकेदार कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले मन के पास जाना पड़ेगा। इसमें अगर जॉब करना है तो इसमें जॉब करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले पास जाएंगे तो वो आपको केसेस देंगे, किसी को JCB खरीदनी होती है, किसी को पोकलैंड रोड की मिक्सर मशीन होती है, ये सब फाइनेंस ज़्यादा करती है कंपनी। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है बाजार में। तो इस कंपनी में अगर जॉब करेंगे तो आपको केसेस के लिए भागना नहीं पड़ेगा, केसेस आपको बहुत ईजी मिल जाएंगे। प्लस ये कंपनी उन लोगों को ज़्यादा फाइनेंस करती है जिनका डॉक्यूमेंट ज़्यादा अच्छे हैं, जिनका क्राइटेरिया बहुत अच्छा है, जिनका मार्केट में वैल्यू बहुत अच्छा है। तो अगर इसमें आप कलेक्शन में भी जॉब करेंगे तो भी आपको रिकवरी के लिए ज़्यादा मगजमारी नहीं करना पड़ेगा आपको, आपको आराम से रिकवरी बैठे बैठे ऑफिस में मिल जाएगा। आपको केसेस भी आपको ज़्यादा फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है, आपको केसेस भी ऑफिस में बैठे हुए टाइम मिल जाएगी आपको, क्योंकि इसके कस्टमर बंधे हुए हैं। तो इसमें खास बात यही है, अच्छी बात है कि इसमें इसके जो कस्टमर बंधे हुए हैं तो आपको ऑफिस में ज़्यादा वर्क रहेगा, इसमें फील्ड में भी जाना पड़ेगा लेकिन ऑफिस में ज़्यादा वर्क रहेगा। ऑफिस में आप अगर बैठे रहेंगे तो आपको केसेस मिल जाया करेंगे, ऑफिस से ही आपको कलेक्शन भी मिल जाया करेगा, थोड़ा बहुत आपको फील्ड में कलेक्शन निकलना पड़ेगा, एक आध केस जो डिफॉल्ट होता है उसके लिए। बाकी आप इजिली यहाँ पर इसमें जॉब कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी भी महीने की 28 तारीख को आपको सैलरी मिल जाएगी, आपको इंसेंटिव इसका मंथली इंसेंटिव है तो मंथली इंसेंटिव में आपका हर महीना इंसेंटिव सैलरी के साथ जोड़ के इंसेंटिव आ जाएगा। अब मैं बताऊँ इसमें जॉब लगना कैसे है। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो हिंदुजा फाइनेंस का ऑफिस में विजिट कर सकते हैं आप, और वहाँ पर जाके आप HR से मिल के अपना रिज्यूम दे सकते हैं, छोटा सा इंटरव्यू दे सकते हैं वहाँ पर। इसमें क्या होगा, HR आपका रिज्यूम ले लेगा और पंचिंग करके रखे रहेगा, जैसे उनके पास वैकेंसी अगर रहेगी तो आपको तुरंत जॉब दे देगा, अगर नहीं रहेगी तो आपका रिज्यूम रखे रहेगा। जैसे वैकेंसी आती है उनके पास में कहीं के लिए भी तो आपको सबसे पहले फ़ोन किया जाएगा। आप अगर किसी फाइनेंस कंपनी में आप अगर रिज्यूम देते हैं तो व्यर्थ नहीं जाता है दोस्तों, आप सोचते होंगे कि दे दिए बुलाएगा नहीं बुलाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फाइनेंस कंपनी में अगर रिज्यूम छोड़े हैं तो पंचिंग करके रखते हैं और देखते हैं कि जब वैकेंसी आती है तो सबसे पहले फाइनेंस जो आपने रिज्यूम छोड़ा हुआ है तो वो वहीं से उठा के वो कॉल करते हैं और इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो आप अच्छा हुआ अगर विजिट कर ले कंपनी में जाके, और कंपनी का एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ कि हर फाइनेंस जो हिंदुजा फाइनेंस है जहाँ पर इंडसइंड बैंक होती है वहीं पर इसका फाइनेंस पॉइंट भी होता ही है। ये इंडसइंड बैंक से इसका कॉलोरेशन है, तो जहाँ पर इंडसइंड बैंक होगी तो वहीं पर इसका ऑफिस भी होगा। तो आप जहाँ भी आपके शहर में इंडसइंड बैंक होगा वहाँ पर हिंदुजा फाइनेंस का ऑफिस आप देख लेना, वहाँ पर पता चल जाएगा, वहाँ जाकर HR से मिल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कार शोरूम में आप जाएंगे वहाँ पर पता करेंगे कि सर हिंदुजा फाइनेंस कहाँ पर है, तो कोई भी कार शोरूम वाला आपको एड्रेस दे देगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि फाइनेंस कंपनी का एड्रेस ढूंढना है तो आपके शहर में कहाँ, बड़ा शहर है छोटा शहर है कहाँ पर है, तो आप कोई भी फाइनेंस कोई भी कार शोरूम में चले जाइए, उनसे पूछ लीजिए। कोई भी ऑटो वाला होगा ऑटो वाला आपको बता देगा उसका ऑफिस कहाँ है, ऑटो वाले के पास में और कार शोरूम के पास में, इन सब के पास में हर फाइनेंस कंपनी का, छोटे से बड़े चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर फाइनेंस कंपनी का एड्रेस होता है। तो इसमें बहुत आपके लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटी है। हिंदुजा का फाइनेंस में जॉब करेंगे तो इसमें पर्सनल लोन भी देता है, इसमें पर्सनल लोन एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं आप कार लोन एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, आप गोल्ड लोन एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, आप मशीनरी लोन एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। तो इसमें सैलरी और इसको बहुत ज़्यादा है, और मेरे बहुत से दोस्त इसमें काम करते हैं और बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं इसमें, तो आप भी इसमें जरूर ट्राई कीजिएगा। इस लाइन में बहुत पैसा है दोस्तों, फाइनेंस जितना पैसा फाइनेंस लाइन देती है एज ए ग्रेजुएट को उतना पैसा MBA वाले को बड़े बड़े
बड़े बड़े जॉबों में मिलता है। तो आप अपने छोटे से शहर में भी फाइनेंस, हर छोटे शहर में फाइनेंस कंपनियां होती हैं, तो आप अपने छोटे से शहर में भी अपने घर में भी रहकर आप महीने के 30 से 40 हज़ार रुपया अगर अच्छे से काम करेंगे तो महीना हिंदुजा फाइनेंस में आप कमा सकते हैं, फाइनेंस लाइन में कमा सकते हैं। फाइनेंस लाइन से बेटर दूसरा कोई जॉब नहीं है अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएट किया हुआ है। अगर आपने MBA किया हुआ है तो अलग बात है कि आपको अपने शहर से दूर बड़े शहर में जाके अच्छी जॉब मिल सकती है, लेकिन आपको अपने घर में ही काम करना है, घर में ही रहना है या शहर में ही रहना है, तो आप सीधे फाइनेंस कंपनी ज्वाइन कीजिए। आपको फाइनेंस कंपनी से ज्यादा बेटर जॉब और कोई नहीं देगी, और ज्यादा सैलरी कोई नहीं देगा, और इतना इंसेंटिव कोई नहीं देगा, और एक्स्ट्रा कमाई इतनी कहीं और किसी चीज में नहीं होगी। तो आपको अगर फाइनेंस कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो एक पहले दिन से ही आप 1 करोड़ के आदमी बन जाएंगे, क्योंकि आप 1 करोड़ रुपये मंथली फाइनेंस कर सकते हैं, तो आप 1 करोड़ रुपये फाइनेंस करने वाले आदमी बन जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि हिंदुजा फाइनेंस है जो मशीनरी फाइनेंस करती है, होम लोन फाइनेंस करती है, और गाड़ी व्हीकल फाइनेंस करती है, तो इसमें आप कलेक्शन में भी जा सकते हैं, या फिर आप फाइनेंस में भी जा सकते हैं। बैक ऑफिस में जब ट्राई करना है तो बैक ऑफिस में ट्राई कर सकते हैं। तो ऑफिस में जाकर अपना रिज्यूम इसमें सबमिट कीजिए और एक जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, तो इसमें ज़रूर आपको जॉब लग जाएगा। मेरी इच्छा है कि आप इसमें ज्वाइन करें और अपने भविष्य को बेटर बनाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और शुक्रिया।